हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी दर्शक इस चैनल पे नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, तो आज हम जो कल लास्ट टाइम पेंडिंग क्वेश्चंस रह गए थे कुछ लास्ट एक्सरसाइज में, वो आज हम पूरा करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट टाइम मैंने 7 क्वेश्चंस किए थे और आई होप आपको पसंद आए होंगे, आपको आपने प्रैक्टिस भी की होगी उनकी। तो अब हम नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे, लास्ट टाइम भी मैंने ये क्वेश्चन दिया था, जो जिन्होंने कुछ प्रैक्टिस की होगी तो वो भी एक बार चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देर आर 4 इनपुट्स ए बी सी डी, व्हेन इनपुट ए एंड इनपुट बी गेट्स ऑन, आउटपुट ए गेट्स ऑन। तो हमारे पास चले तो 4 इनपुट्स हैं ए बी सी डी, और उसमें जब इनपुट ए एंड बी दोनों सीरीज में हैं, क्योंकि एंड लगा है इसमें, तो ए एंड बी जब दोनों ऑन होंगे तो क्या होगा, आउटपुट ए ऑन हो जाएगा। तो पहली कंडीशन ये है। तो उसी में सेकंड कंडीशन है, इनपुट ए एंड इनपुट बी एंड इनपुट सी जब ये तीनों ऑन होंगे, बल्कि तीनों सीरीज में है, तो तीनों ऑन होने पे क्या होगा, आउटपुट ए तो जो पहले से ऑन है वो ऑन ही रहेगा और आउटपुट बी भी ऑन हो जाएगा, आउटपुट ए बी बोथ गेट्स ऑन। एंड लास्ट में है, व्हेन इनपुट ए एंड इनपुट बी एंड इनपुट सी एंड इनपुट डी, जब चारों इनपुट्स ऑन हो जाएंगी तो ए बी तो जो पहले से ऑन है और साथ में सी भी ऑन हो जाएगी। तो इसको शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट जो कंडीशन है इनपुट ए, इनपुट ए एंड इनपुट बी गेट्स ऑन, आउटपुट ए गेट्स ऑन। तो पहले ये वाली कंडीशन हम करते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले सीधे सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया है पहले से, जो सॉफ्टवेयर ओपन जिसको नहीं आता है वो मेरे पिछले जो वीडियोज़ हैं उनका रेफरेंस ले सकते हैं और सॉफ्टवेयर ओपन करना सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले एक इनपुट ले लेते हैं इनपुट ए एंड इनपुट बी, जब दो इनपुट ऑन होंगी तो और एक आउटपुट ए ऑन हो जाएगी। तो इनपुट ए, इसको एड्रेसिंग देते हैं, फाइल टाइप आई फाइल नेम 1 कॉलन स्लॉट नंबर डॉट वर्ड नंबर स्लैश बिट नंबर। ओके, तो इसको दे देते हैं हम लोग फर्स्ट, दे देते हैं इनपुट ए, इनपुट ए दे देते हैं। ओके, तो ये हमारा इनपुट ए हो गई, और सेकेंड इज इनपुट बी, फाइल टाइप फाइल नेम कॉलन स्लॉट डॉट वर्ड स्लैश बिट, तो ये हो गया इनपुट बी। तो इसको नाम देते हैं बी। व्हेन इनपुट ए एंड इनपुट बी गेट्स ऑन, आउटपुट ए गेट्स ऑन, बल्कि पहली आउटपुट ऑन हो जाएगी। आउटपुट की एड्रेसिंग है फाइल टाइप ओ फाइल नेम 0 कॉलन स्लॉट नंबर 0 डॉट वर्ड नंबर 0 स्लैश बिट नंबर 0, तो ये हम इसको 1 लिख देते हैं, फर्स्ट इनपुट है। ओके, और फर्स्ट आउटपुट है। तो पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन दोबारा से, व्हेन इनपुट ए एंड इनपुट बी गेट्स ऑन, तो आउटपुट ए गेट्स ऑन, जो कंडीशन है चारों में से जब इनपुट ए और इनपुट बी ऑन होगी तो आउटपुट ए ऑन हो जाएगी। तो चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको साथ साथ में आप डाउनलोड करके चेक कर लीजिए। डाउनलोड किया प्रोग्राम, सेव, यस यस यस, और इसको आपने रन किया। आप इसको इनपुट ए एंड इनपुट बी गेट्स ऑन, तो आउटपुट 1 गेट्स ऑन, आउटपुट ए गेट्स ऑन। ओके, ठीक है, ये हमारा कंडीशन सही हो गई, ट्रू हो गई। आप दूसरा पॉइंट क्या है, एक बार इसको वो ऑफलाइन कर लेते हैं। सेकंड इज, एक मिनट, सेकंड कंडीशन है व्हेन इनपुट ए एंड इनपुट बी, इनपुट ए एंड इनपुट बी एंड इनपुट सी गेट्स ऑन, आउटपुट ए बी बोथ गेट्स ऑन। तो इनपुट ए बी और सी जब तीनों ऑन होंगे तो आउटपुट ए भी दोनों ऑन हो जाएंगे। ओके, तो इस पर आ जाते हैं। अब इनपुट ए, इनपुट बी और साथ में इनपुट सी भी ऑन हो रही है। अब इनपुट सी को ऑन करना है तो और आउटपुट, दो आउटपुट ऑन हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा, अगर मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ तो क्या होगा कि पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। पहली कंडीशन में क्या है, इनपुट ए एंड बी ऑन होने पर आउटपुट ए ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं ये लगाता हूँ आउटपुट ए, तो ये पहली कंडीशन में इसको ऑन नहीं होने देगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक पैरेलल लेंगे, पहले तो इसके पैरेलल में एक ले लेंगे
आउटपुट लगा देंगे। ओके, ये हमने लगा दिया आउटपुट, तो यहाँ पे आ गया हमारा आउटपुट, ये आ गया आउटपुट, आउटपुट आ गया हमारे पास फाइल टाइप फाइल नेम कॉलन 0.0/1, इसका नाम दे दिया टू। ओके, तो ये हो गया हमारा टू। अब इनपुट ए इनपुट बी एंड इनपुट सी, तो इसको हम लोग यहाँ प्लेस कर देंगे। तो इनपुट ए इनपुट ए इनपुट बी और इनपुट सी फाइल टाइप फाइल नेम कॉलन 0.0/2, तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया इसको सी। तो ये ऑन करने पे हमारी आउटपुट ऑन हो जाएगी, आउटपुट नंबर आउटपुट बी आउटपुट नंबर टू। अच्छा, नेक्स्ट है व्हेन इनपुट ए एंड इनपुट बी एंड इनपुट सी एंड इनपुट डी गेट्स ऑन आउटपुट ए बी सी ऑल गेट्स ऑन। अच्छा, अब तीनों आउटपुट ऑन हो जाएंगी, तो एक आउटपुट और बनाते हैं पैरेलल में। ओके, तो इसके पैरेलल में एक और ले लेते हैं पैरेलल, तो यहाँ पे हमने पैरेलल लगा दिया और एक आउटपुट ले ली। ओके, फाइल टाइप फाइल नेम कॉलन 0.0/2, तो इसका एड्रेसिंग देते हैं, इसका नाम देते हैं 3। ठीक है, तो अभी है इनपुट ए बी सी और इनपुट डी, इनपुट डी भी सीरीज़ में होनी चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम इनपुट को ले लेंगे तो इनपुट सीरीज़ में आ जाएगी i1:0.0/3। ओके, तो यह इसका एड्रेसिंग हम उसका नाम देते हैं डी। तो ये हो गया अब हमारा आंसर। तो अब आप देखेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, कंपाइल कर लिया और इसको डाउनलोड कर लिया। ये रन कर लेते हैं इसको। हाँ, अब आप देखेंगे इनपुट ए को ऑन किया, इनपुट बी को ऑन किया, तो ए ऑन हो गया। अब जब आप इनपुट सी को ऑन करेंगे तो ए भी ऑन है और बी भी ऑन हो गया, और जब इनपुट डी को ऑन करेंगे तो इनपुट आउटपुट सी भी ऑन हो जाएगा। तो ये है हमारा सॉल्यूशन इसका। तो आई होप आपको समझ आया होगा और आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग ऑफलाइन चले जाते हैं, फोर्स ऑफ ये और लास्ट वाला डी भी फोर्स ऑफ। ठीक है, तो अब इसको गो ऑफलाइन। तो ये एक मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, इसी को मैं एक और तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग, वो भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा उसको नीचे कर लेता हूँ ताकि दोनों ही आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग 1 2 3 4 और हमने एक आउटपुट ले ली। अब इस पे मैंने एड्रेसिंग दे दी आपकी ए की, तो फाइल टाइप फाइल नेम कॉलन 0.0/0। ठीक है, तो ये हो गया आपका, सॉरी इसको देते हैं हम लोग 3, उसका हमने दिया डी, इसको दिया कॉलन 0.0/2, तो गया सी। अब इसको आ गया हमारा फाइल टाइप फाइल नेम कॉलन 0.0/1 और ये आ गया आपका फाइल टाइप फाइल नेम कॉलन 0.0/0, तो ए आ गया। तो इसकी एड्रेसिंग हम दे देते हैं नेक्स्ट की o0:0/0, तो सॉरी इसको देते हैं हम o0:0/2, तो ये हो गया हमारा डी। तो जब चारों ऑन होंगे तो हमारा डी ऑन हो जाएगा, ए बी सी डी ऑन होगा तो डी ऑन हो जाएगा। ठीक है, और जब ए बी सी डी, हाँ सॉरी इसको हम लोग थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, गलत अरेंज कर दिया मैंने, सी हाँ पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, सी मतलब आपकी डी, और चारों से ऑन होने से डी आउटपुट सी आउटपुट लास्ट आउटपुट आपकी ऑन हो जाएगी।
अच्छा, जब आपकी 1 2 3 ए बी सी ऑन होंगी, ए बी और सी ऑन होंगी, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, एक पैरेलल में और लेंगे, यहाँ पे आपने ये लगा दिया यहाँ पे, और इसको आपने दे दिया, एक आउटपुट दे दिया, फाइल टाइप फाइल नेम कॉलन 0.0/1, तो ये हो गया 2। तो ए बी सी से ये आउटपुट ऑन हो जाएगी, और सिमिलरली अब एक पैरेलल लेंगे यहाँ से, लास्ट में लगा दिया, तो यहाँ पे भी एक आउटपुट आप ले सकते हैं, फाइल टाइप फाइल नेम कॉलन 0.0/01। ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक लॉजिक है, ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ओके। तो जब ए और बी ऑन होंगी हमारी, ये पहला ए है, ए ऑन किया मैंने एंड बी को ऑन किया, तो मेरी आउटपुट ए ऑन हो गई। ऊपर भी देख सकते हैं आप ए ऑन है, और नीचे भी देख सकते हैं आप ए ऑन है, ओके। इसमें सेम एड्रेसिंग आउटपुट की नहीं लेनी चाहिए वैसे, तो मैं आपकी आउटपुट एड्रेसिंग चेंज कर लेता हूँ एक बार, इनकी आउटपुट की एड्रेसिंग को मैं चेंज कर देता हूँ। इनपुट तो हम सेम ले सकते हैं, और आउटपुट दो बार सेम नहीं ले सकते, तो कई बार आपका रिजल्ट जो है वो हो सकता है कि आपके आउटपुट ऑन ना हो, तो इसकी आउटपुट की एड्रेसिंग चेंज कर देता हूँ। ओ 0:0.0/3 से स्टार्ट कर देते हैं, ओके, और इसको देते हैं 4, ओ 0:0.0/4, और लास्ट वाले को देते हैं 5, ओके, तो इसको देते हैं 5 लास्ट वाले को। ओ 0:0.0/6, ओके, तो इसको दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ, ये डाउनलोड को रन करके एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से, ओके। तो फर्स्ट ऑन की आपने, सेकंड ऑन की, तो आपकी आउटपुट ऑन होगी, यहाँ पे भी एक आउटपुट ऑन होगी, ओके। जब आप सी को ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बी ऑन हो गई, ऊपर आप देख सकते हैं बी ऑन है, और यहाँ पे भी बी ऑन हो गई आपकी, और लास्ट को ऑन करने पे आपकी सी ऑन हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये भी एक लॉजिक है, ऐसे भी लॉजिक बना सकते हैं, तो अलग अलग तरह से सभी लॉजिक बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देर आर 4 इनपुट्स ए बी सी डी, सेम वैसा ही जैसा 8th क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसा है, उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। इसमें क्या है, इनपुट ए एंड इनपुट बी गेट्स ऑन, ओनली आउटपुट ए गेट्स ऑन। जब ए और बी ऑन होगी, तो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट ए ऑन होनी चाहिए। इनपुट ए एंड इनपुट बी एंड इनपुट सी गेट्स ऑन, जब ए बी और सी दोनों ऑन होंगी, तो आउटपुट सिर्फ बी ऑन होनी चाहिए, इसका मतलब आउटपुट ए उस टाइम में ऑफ हो जाने चाहिए। और लास्ट है इनपुट ए एंड इनपुट बी एंड इनपुट सी एंड इनपुट डी गेट्स ऑन, ओनली आउटपुट सी गेट्स ऑन। तो जब लास्ट कंडीशन में तीनों ऑन होगी, इनपुट सी, इनपुट ए बी सी डी, तो आउटपुट सी सिर्फ ऑन होनी चाहिए। तो इसमें अब हम लोग चलते हैं प्रोग्रामिंग में, तो इसमें नियरली नियरली प्रोग्राम सेम बनेगा आपका, ठीक है ना। जो आउटपुट ए है, बी ऑन होने पे आउटपुट फर्स्ट आउटपुट ऑन होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। अब जब सी ऑन होगी ए बी से, तो आपकी ए जब ए और बी आपने इनपुट ऑन किया, तो आउटपुट जो पहली आउटपुट है वो आपकी ऑन होगी। अब वो कह रहे हैं कि जब आउटपुट आपकी, इनपुट आपकी सी ऑन होगी, ए बी जब सी ऑन होगी, तो सिर्फ आउटपुट बी ऑन होनी चाहिए, आउटपुट ए बंद हो जानी चाहिए। तो आउटपुट ए को बंद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सी का हम एन सी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मली क्लोज्ड बटन लगाया हमने, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ, इसको दोबारा से करता हूँ, नहीं तो आपको हो सकता है आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो, तो इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग, दोबारा से करते हैं, ओके। तो हम लोग पहले करते हैं आउटपुट ए और बी ऑन होने पे आउटपुट ए, ओनली आउटपुट ए गेट्स ऑन। तो ये हम इतना चेक कर लेते हैं पहले,
तो डेफिनेटली इतना आपको समझ आ गया होगा कैसे आपकी आउटपुट ऑन हो जाएगी। ओके, तो ये आपका पहला है, इनपुट ए ऑन हो गया और इनपुट बी ऑन हो गया, तो आपकी आउटपुट ए ऑन हो गई, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, ये आप समझ सकते हैं। सेकेंडली, सेकेंड पे चलते हैं, सेकेंड बनाते हैं पहले। ओके, तो सेकेंड बनाने के लिए भी हम लोग सेम वैसा ही, आपको लॉजिक सेम है। तो यहाँ पे एक आउटपुट और बना लेते हैं, आउटपुट ओ जीरो कॉलन जीरो डॉट जीरो स्लैश वन। ओके, अब इसकी सीरीज में एक इनपुट आएगी, आई वन कॉलन जीरो डॉट जीरो स्लैश टू, ठीक है। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि जब इनपुट ए और इनपुट बी ऑन होगी तो ए ऑन होगी, और इनपुट सी ऑन होगी तो सिर्फ इनपुट आउटपुट बी ऑन होनी चाहिए। देखते हैं, करते हैं हम लोग। अभी ए किया, समझाने के लिए मैं एक बार कर रहा हूँ, अभी लॉजिक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये किया और ये किया हमने, तो आपकी ये आउटपुट ऑन होगी, ठीक है ना। अब जब इसको ऑन करूँ तो ये तो ऑन हो गई, पर ये बंद हो जाने चाहिए। सी के ऑन होने से ए बंद होनी चाहिए और बी ऑन रहनी चाहिए, बी ऑन होनी चाहिए, है ना। अभी क्या था, ए बी से ए ऑन थी, अब जब सी को ऑन करें तो ए बी सी ऑन होने पे बी ऑन हो जाए, पर अब ए बंद हो जाए। ए बंद हो जाए तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, सी का एन सी हम यहाँ लगा सकते हैं सीरीज़ में, ताकि जब सी ऑन हो तो ये पाथ को वो क्लोज़ कर दे, ए फर्स्ट इनपुट आउटपुट के पाथ को क्लोज कर दे। देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको, एक बार लॉजिक क्रिएट करते हैं, गो ऑफलाइन। तो हम लोग यहाँ पे एक एन सी लगा देते हैं, नॉर्मली क्लोज्ड, ये मैं बता चुका हूँ, ये बिल्कुल अपोजिट काम करता है नॉर्मली ओपन से। जीरो डॉट जीरो स्लैश टू, तो ये सेम एड्रेसिंग आ गई हमारी। अब हम इतना चेक कर लेते हैं पहले, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए, ओके, कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहली इनपुट है, पहले इनपुट को ऑन किया मैंने, ए ऑन हो गया। सेकेंड इनपुट को ऑन किया, बी ऑन हो गया। ए एंड बी आउटपुट इनपुट ऑन होने से आउटपुट ए ऑन होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमने सी का यहाँ पे एन सी लगाया है, क्योंकि एन सी है नॉर्मल क्लोज है, तो सप्लाई को पास कर देगा। जब हम इनपुट सी को ऑन करेंगे तो ये एन ओ से एन सी बन जाएगा, ये एन सी से एन ओ बन जाएगा। तो इसने क्या किया, ये पाथ को क्लोज कर दिया, ये पाथ को ओपन कर दिया। जब अब ए बी और सी को ऑन करने से आउटपुट बी ऑन हो गई। सिमिलरली अब हम थर्ड वाला ट्राई करते हैं, जो लास्ट पार्ट है, कि इनपुट ए बी सी डी ऑन होने से आउटपुट सी ऑन हो जाए, सिर्फ मेरी थर्ड आउटपुट ऑन हो जाए और बी भी बंद हो जाए, ठीक है ना। तो हम पहले पैरेलल में एक आउटपुट और बना लेते हैं, ये इतना हो गया। अब इसको हम लोग आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे एड्रेसिंग देते पहले, ओ जीरो कॉलन जीरो डॉट जीरो स्लैश टू। ओके, तो इससे सीरीज़ में आएगा हमारा इनपुट डी, तो इनपुट लगा देते हैं, आई वन कॉलन जीरो डॉट जीरो स्लैश थ्री, ठीक है ना। तो ये हो गया। अभी इसको समझने के लिए पहले एक बार रन करके देखते हैं, ताकि आपको एन सी लगाना समझ आ जाए कि एन सी कैसे लगाते हैं। तो ये हम रन टाइम पे गए, ये अभी हम लोग फिर से स्टार्टिंग से करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा जी, फर्स्ट ए ऑन किया, फिर हमने बी ऑन किया, ए ऑन हो गया, है ना। अब हमने क्या किया, सी ऑन किया, सी ऑन करने पे ए ऑन हो गया, ए ऑफ हो गया, बी ऑन हो गया। अब हमने क्या करना है, डी को ऑन करना है। जब हम डी को ऑन करें तो ये तो ऑन हो जाए, थर्ड तो ऑन हो जाए आपका, पर थर्ड के साथ साथ सेकंड वाला जो है बंद हो जाए।
तो इसका पाथ, ये जो पाथ है आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक एनसी लगाना पड़ेगा। तो हम इसको ट्राई करते हैं एनसी लगा के वो ऑफलाइन। ओके, तो मैं यहाँ पे एक एनसी लगा देता हूँ। ये लीजिए एनसी किसका लगेगा, डी का, जो इनपुट डी है इसका एनसी लगेगा यहाँ पे, i1:0.0/3। ठीक है, तो ये इसका एनसी लगा दिया मैंने। तो अभी हम इसको ट्राई कर लेते हैं। ये रन किया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर से स्टार्टिंग से। फर्स्ट इनपुट ऑन किया, सेकंड इनपुट ऑन किया, ई एंड बी गेट्स ऑन, ओनली आउटपुट ए गेट्स ऑन। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हेन इनपुट ए इनपुट बी गेट्स ऑन, ओनली आउटपुट ए गेट्स ऑन। अच्छा, अब हम चलते हैं थर्ड पे। जब हमने थर्ड ऑन किया, फोर्थ ऑन किया, तो ऑन करने पे हमने हमारा सेकंड आउटपुट जो है ऑन हो गई। अब पहली वाली बंद हो चुकी है। अब हम लास्ट पे आते हैं। लास्ट वाला जब हम ऑन करते हैं तो हमारा ओनली सी गेट्स ऑन, तो उससे आपका योर बी बंद हो गए। तो ये सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ईज़िली आपने ये देखा कि ये हो गया है। अब इसको हम लोग थोड़ा ऑफ कर देते हैं। ईज़िली कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा आपको। ये इसको ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा ईज़िली हो गया है। अब मैं आपको इसका लास्ट जो मैंने क्वेश्चन एक बार सेकंड दूसरा तरीका आपको बताया था, वो भी आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए कि सेकंड लॉजिक में हम आप उसको कैसे करेंगे। ठीक है, मैं तो इसको ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए कि वो हमने कैसे करना है। तो लास्ट का लॉजिक आपको आई थिंक कुछ ऐसा था, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कुछ फर्स्ट यहाँ पे ए बी सी डी से आपकी एक आउटपुट ऑन थी, o0:0.0/3, so 2। ठीक है ना, फिर हमने यहाँ पे लिया था, तो यहाँ से हमने एक लगा दिया था आउटपुट o0:0.0/1। ठीक है, फिर हम यहाँ से हमने एक पैरेलल लिया और इसको लगा दिया था यहाँ पे, और यहाँ पे एक आउटपुट ले ली थी हमने o0:0.0/0, कुछ ऐसा ही था आई थिंक सो। तो इसको भी हम लोग उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो हमने अभी क्वेश्चन किया है, ए एंड बी ऑन करने पे आपकी आउटपुट ए ऑन हो रही है, ए बी सी ऑन होने पे आउटपुट ए बंद हो जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे पाथ को क्लोज़ करना है। तो हम यहाँ पे एड्रेसिंग डाल देंगे i1:0.0/2। ओके, तो और इसमें हम लोग डाल देंगे i1:3। तो ये जो है जब ऑन होगा तो इसका पाथ रोक देगा। तो इसको रन करके चेक करते हैं एक बार। अच्छा, पहला है ए को ऑन किया हमने और बी को ऑन किया, तो आपकी आउटपुट ऑन होगी। अब हमने आउटपुट इनपुट सी को ऑन किया, इनपुट सी को ऑन करा तो ए बंद हो गया। आप देख सकते हैं इसने जब ये ऑन हुआ तो इसने ये क्लोज़ कर दिया पाथ, तो आपका ये आउटपुट बंद हो गया। अब सिमिलरली आपने इस इनपुट को ऑन किया, तो ये जब ऑन हुआ तो इसने इसका पाथ क्लोज़ किया, तो आपका बी आउटपुट ऑफ हो गया, आउटपुट सी ऑन हो गया। तो ये एक छोटा सा लॉजिक है जो हम लोग, थोड़ा आपको शायद कॉम्प्लेक्स भी लग रहा होगा जो बिगिनर्स हैं तो, पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो अभी मैं सबको ऑफ कर रहा हूँ। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो अभी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैं अभी आगे के क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियो में ही करूँगा। मैं आपको एक क्वेश्चन शो कर देता हूँ, आप जब तक प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको नोट कर सकते हैं और इसको करने की कोशिश कीजिए। बाकी इसका जो सोल्यूशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार के भी कोई प्रश्न हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।